इस गर्मी में रोज रोज रोटी सब्जी बनाकर हो गए होंगे बोर, तो क्यों ना आज बनाया जाए कुछ अलग और अनोखा नाश्ता। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं सेवई उपमा। इसे खाने के बाद आप सब नूडल्स और मैगी भी खाना भूल जाएंगे। ये जितना बनाने में इजी है उतने खाने में भी टेस्टी होता है, तो चलिए फ्रेंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस में पैन चढ़ा दिया है, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल ले दूँगी। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड दे दूँगी। देने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे 1 प्याज बारीक कटी दे दूँगी। देखिए इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसे कच्चापन चला जाए। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 बारीक कटी हुई टमाटो दे देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे हम। अच्छे से 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 कप बारीक कटी हुई बीन्स दे दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं अब यहाँ पे 1 कप बारीक कटी हुई गाजर दे दूँगी। सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। आप यहाँ पे अपनी मनचाही वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। देखिए सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के 2 मिनट तक पकने दूँगी ताकि मसालों के साथ सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे सब्जी मसालों के अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सेवई ऐड कर दूँगी। सेवई को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जी के अच्छे से सेवई मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। हमें ज़्यादा पानी नहीं देना वरना सेवई दलदला सा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सेवई यूज़ किया है। अब इसको मैं ढक के 3 से 5 मिनट तक पकने दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी सेवई अच्छे से पक चुकी है, कितनी खिली खिली हुई बनी है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी सेवई उपमा। इसको हम प्लेट में उतार के अब सर्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी सेवई उपमा की रेसिपी। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।